झांसी में अंतर्राज्यीय शातिर 5 अपराधियों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार, 4 पहिया वाहन, मोबाइल, असलहा भी हुआ बरामद। झांसी के थाना प्रभारी एरच अशोक कुमार उपाध्याय में हमारियों के साथ गश्त पर थे कि उनको सूचना मिली कि मीरा साहब मजार की बाउंड्री बाल के पास 2 गाड़ियां स्कॉर्पियो व एक्सयूवी बाउंड्री बाल के अंदर कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा चीता मोबाइल उप निरीक्षक दिकोली मोड़ से होते हुए पहुंचकर देखा कि कुछ लोग झाड़ियों में आग लगाकर ताप रहे थे, तभी घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में बताया कि ग्राम खिल्ली में थाना मोठ क्षेत्र के भुजोड सेमरी जनपद जालौन के डकोर थाना तथा ग्राम लक्ष्मणपुर थाना इंद्रगढ़ जिला दतिया में लूट की घटना कर स्वीकार किया, जिनके पास से 95,000 नगद रुपया, 2 तमंचा, 7 कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 1 स्कॉर्पियो, 1 एक्सयूवी कार सहित 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। सर, एक गैंग का खुलासा किया, ये गैंग कैसे बर्बाद करती थी और कैसे पकड़ में आई है? आप सभी लोग साथ अवगत होंगे कि एडी जोन कानपुर सर और डीआईजी रेंज महोदय झांसी के प्रेक्षण के आलोक में और एसएसपी झांसी महोदय के कुशल निर्देशन में जनपद झांसी के अंदर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो रात्रि गश्त के दौरान हो, संदिग्ध वाहनों की तलाशी हो, संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी हो के रूप में की जा रही है। इसी अभियान की श्रृंखला में एसएचओ एरएच संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में अपने थाने से रवाना थे, तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि 5 व्यक्ति मीर साहब के मजार के पास कुछ योजना बना रहे हैं, डकैती की योजना ऐसी बात करें, डकैती घटना करने की फिराक में हैं। तो इस सूचना पर तत्काल एसओएलएच मैफोर्स के रवाना हुए और 5 को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम गया प्रसाद, छोटे, नरेंद्र, अजय आदि बताया। जब इनसे और कार्य से पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि इनके द्वारा सेमरी भुजोन जो थाना मोड़ में पड़ता है वहाँ घटना कार्य किया है, खिल्ली में घटना कार्य किया है जो पूंछ में पड़ता है, इंद्रगढ़ थाना पड़ता है दतिया के अंदर वहाँ भी घटना किया है और एक डकोर के अंदर जो घटना भी फिलहाल किया है वो जालौन की घटना को स्वीकार किया है। इनकी अन्य संबंधित जनपद विद्वारों में कार्रवाई की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास है, कोई ऐसी संगीन धारा नहीं है जो उनके खिलाफ पहले से मुकदमा ना हो। ग्यारह प्रसाद खिलाफ 27 मुकदमे, छोटे खिलाफ 15 मुकदमे हैं और नरेंद्र खिलाफ 11 मुकदमे, सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में पर्याप्त आपराधिक इतिहास है। इनके पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, लगभग 1 लाख रुपया नकद बरामद हुआ है, 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, तमंचा और आल नकद बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ, निची बरामद हुई है। और ये इस खुलासे में इन गैंग को पकड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है एसओ मोठ, पूंछ और एरच और हमारी टीम ऐसी टीम की बहुत भूमिका है, इनकी बहुत प्रशंसा की जाती है, बधाई के पात्र हैं और कप्तान साहब द्वारा और डीआईजी नवीन महोदय द्वारा इन्हें उचित इनाम घोषणा की गई है। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि पहले रेकी करते थे क्योंकि हाईवे के पास के गांव को तलाशते थे, गाड़ी से अपराध करते अपराध भाग जाते थे क्योंकि रेकी करते थे पहले। कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं अभी तो इन्होंने घटना किया और भी जानकारी की जा रही है, घटना और भी कर सकते हो जन प्रकाश में आए बाकी सर और भी लोग इनके साथ हाँ जानकारी कर रहे हैं उसकी। कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करती है? ये एक्सयूवी गाड़ी है, इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी भी है और भी गाड़ी कौन कौन सी इनके पास हो सकती है उसकी जानकारी की जा रही है। इनका रहन सहन किस तरीके का? रहन सहन है, अपराधी है, परिवार को परिवार पैसा कमाने का मकसद इनका। हाँ, चोरी तो चोरी जब करते हैं नकबजन, नकब बड़े नकबजन हैं तो अपराध तो पैसा कमाने का ही, और ये दोनों गाड़ियाँ हैं, इनकी माली हालत